टू ऑल माई फ्रेंड्स, आज मैं फेसबुक लाइव में आ रहा हूँ। मुझे दो मैसेज देना है। सबसे पहले कल ईद है और ईद के लिए मैं अपने सब मुसलमान भाई बहन को हमारे तिपरा मोथा की तरफ से आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट हो ईद बकरी ईद। और मैं चाहता हूँ कि इस साल जब हम ईद का हम त्यौहार मनाएं तो हम लोग भाईचारा के बारे बात करें, हम लोग एकता के बारे बात करें, थानसा के बारे बात करें। मैं आपको दो तीन चीज़ बात कहना चाह रहा था। मैंने पिछले दिन में देखा है और मैंने सुना है और मैंने खुद महसूस भी किया है कि त्रिपुरा में नफ़रत की राजनीति बहुत जगह में हो रही है। मैं नफ़रत की राजनीति के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में भाईचारा रहे। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हम सब के बीच में, सिख, हम सब के बीच में एक भाईचारा रहना चाहिए। तो अगर मैंने कहीं देखा है कि कहीं कोई एरिया में, कोई कब्रिस्तान में कोई शिव का मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे रकम की राजनीति से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज हमें स्कूल्स बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, ब्रिज बनाना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। मस्जिद और मंदिर के बीच में एक आम इंसान को मत बांटिए। ऐसे रकम के राजनीति से किसी को कुछ भला भी नहीं होगा, किसी को कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि एक मुसलमान के हाथ में अगर कुरान घर में है तो स्कूल में एक लैपटॉप। मैं चाहता हूँ कि एक पिपरासा के घर में, अगर घर में अपना बाबा गरिया है तो स्कूल में एक इंग्लिश एजुकेशन। हम धर्म को लैंग्वेज के संग कभी लिंक नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को भी इंग्लिश एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बंगाली यूथ्स हैं उनको भी अगर बाहर जाना है तो उनके पास एक डिग्री होना चाहिए जहाँ में उनको नौकरी मिल सके, जहाँ में सब लोग उसका डिग्री का सम्मान करें। तो इस ईद के अवसर में मैं सबको एक ही अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ बी यूनाइटेड। बहुत लोग सिस्टम में गंदे हैं जो सिस्टम का फ़ायदा लेकर असली इशू में बात नहीं करते। आज असली इशू महंगाई है, असली इशू बेरोज़गारी है, असली इशू फ्रस्ट्रेशन है यूथ में। और इसको ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हल कर सकता है जब तक हम लोग सोसाइटी एक ना हो जाए। तो 2022 में हमें एकता के बारे बात करना चाहिए, हमें डेवलपमेंट के बारे बात करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोसाइटी का इंक्लूसिव बनाना चाहिए, ना कि किसका दाढ़ी कैसा है, कौन क्या बिंदी लगा रहा है, कौन किस चर्च में जा रहा है। दूसरा बात है कि सुरमा में हमने इलेक्शन फाइट किया और हमारी रिज़ल्ट बहुत अच्छी हुई। मैं अपने तिपरा मोथा के वॉलंटियर्स को, वॉरियर्स को, सबको बोलना चाहता हूँ, जो जो एरिया में हमारे मुसलमान भाई ने हमारे संग इस समय हमें मदद किया और हमारे संग रहे, उनको आप जाकर ईद के समय फ़ोन कीजिए। सिर्फ एक फ़ोन चलेगा, उनको एक बार फ़ोन करके पूछिए और विश कीजिए ईद मुबारक। मुसलमान भाई को भी मैं बोलूँगा, हमारा खारची पूजा चल रहा है, आप भी हमारे तिपरासा लोगों को खारची पूजा के लिए विश कीजिए। बंगाली को भी मैं ये बोलूँगा कि आप, मैं जब 14 देवता के वहाँ जाता हूँ, हम सबको एक संग भगवान का पूजा एक संग करना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं त्रिपुरा में उन्नति चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट प्रॉस्पेरिटी एंड आई वॉन्ट अ स्टेट टू डेवलप। एंड ऑफकोर्स हमारा जो पोलिटिकल फाइट है फॉर ग्रेटर त्रिपुरलैंड वो चलते रहेगा, वो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा आइडियोलॉजिकल डिमांड है। लेकिन जब तक ये हमें नहीं मिलता है, हमें फोकस करना चाहिए कि हमें तोड़ने के लिए कौन हमारे पीछे है। जो हमें तोड़ना चाहते हैं वो हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं वो चाहते नहीं हैं कि हम लोग एक हों, और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक होकर आगे बढ़ें। ये मेरा मैसेज है ईद के लिए। वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल माई मुस्लिम फ्रेंड्स एंड खारची के अवसर में मैं सबको, अपने त्रिपुरा साहब को, अपने त्रिपुरा के लोगों को मैं विश करना चाहता हूँ। और आखिर में मेरा एक फाइनल अपील है कि एक संग रहे, भाईचारा को बढ़ाए और ईद के अवसर में थानसा को और स्ट्रॉन्ग करें। बेलाइन हम भाई, थैंक यू।